आज के बाद इसके पास आए ना खेलने के लिए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब तो अफान और युसरा है ना, उनके सर आंटी मुझे खेलने ही नहीं देती, ना बात करने देती है, हर वक्त डांटते रहती है। आदिल खुदा के लिए प्लीज वापस आ जाए, इस बच्चे का कोई इंतजाम करें, मेरे से अब और नहीं बर्दाश्त होता, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप उम्र के लिए कुछ नहीं लाए यार, लेट हो रहे थे और पैसे भी खत्म हो गए थे। तुम अपना काम खुद कर लिया करो ना, कहाँ बुकशॉप और कहाँ राशन की दुकान। एक तो आपकी इन्हीं बातों ने इन दोनों को सर पे चढ़ा रखा है, एक ही तो अकलौती नंद हूँ मैं, उसका भी ख्याल नहीं है। तो बाय। क्या हुआ? या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? बहुत सर पे चढ़ा लिया मैंने तुम्हें, क्या किया ये? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैंने किचन समेट लिया है, कोई खाना वाना नहीं है, जाओ जाओ। आदिल अपने दोस्त के बेटे उमर को यहाँ ले तो आए, लेकिन ये बात मुझे खटक रही है, बात कुछ और है। उमर बेटा खाना खा लो। नहीं मैं सुबह। सुबह क्या, सुबह तक भूखे रहोगे, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी तुम्हें, खा लो शाबाश। आंटी नाराज हो जाएंगी। खाना मैं लेकर आई हूं ना तुम्हारे लिए, कोई नहीं डांटेगा, खा लो। थैंक यू चाची। है तो छोटा सा बच्चा, लेकिन सबर का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है उसमें। बच्चों से तो बहुत ही प्यार करता है। और बच्चे? सच पूछूं तो अफान और युसरा भी उससे बहुत प्यार करने लगे हैं, उसके बगैर खाना भी नहीं खाते। और ये सब उमर की वजह से हुआ है, उसने दिल जीत लिया है बच्चों का, बहुत ही समझदार है माशाल्लाह। एक तो आयजा की तरबियत और उसकी रगों में दौड़ता हुआ आपका खून देखिएगा, मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द सबके दिल जीत लेगा, सबके दिलों में अपनी जगह बना लेगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही। ये देखो मैंने कार बनाई है और मैंने बजाया और मैंने बॉल। लो बच्चों फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं तुम लोगों के। चाची आज मैंने बॉल बनाई है। अच्छा दिखाओ। मुझे तो एलिफेंट भी बनाना आता है। मेरी छोटी सी गुड़िया। ये लो जल्दी से खा लो। चाची हाँ मेरा तो हाथ खराब है। तो क्या हुआ, मेरे हाथ तो साफ है ना। ये लो। अरे तुम भी लो। ये क्या हशर बना हुआ मेरे कमरे का, प्लीज उठो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, चलो 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 फौरन उठो। श्यासे खेलने दो ना बच्चों को, क्या हो गया? मेरा इतना बड़ा घर है, इतने कमरे, मेरा ही कमरा मिला गंदा करने के लिए यार, प्लीज। श्यासे प्लीज। उमेरा मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, तुम जानती हो, प्लीज बच्चों बाहर जाओ यहाँ से। एक मिनट। आप बच्चों चाचा और चाची का मुकाबला होगा, ठीक है? मुकाबला? कैसा मुकाबला? अब देखते है ना कौन अच्छी चीजें बनाता है। मुझे कोई मुकाबला मुकाबला नहीं करना। डर गए हो? मैं किसी से नहीं डरता, अभी दिखाता हूँ कौन जीतता है। आ जाओ। हार जाओगे।
हो गए फ्रेश? हाँ यार, आज तो वाकई फ्रेश हो गया, मजा आ गया। हार के? हारने की बात नहीं है, असल में बड़े दिन बाद घर का माहौल इतना चेंज मिला। जब भी घर आओ एक जैसा माहौल, सब अपने कमरों में बंद, एक दूसरे से बेजार। आज अच्छा लगा, पर हैरत भी हुई कि उमर हम सब के बीच कैसा था ना? सोचो इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप की डेथ हो गई और हम लोगों के बीच आ गया, फिर अचानक नए लोगों में आ जाना, नया माहौल, और हम लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए थे। वो बुरा बच्चा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, हम उसे समझ नहीं पाए थे। हाँ भाई, तुम खुश तो हम खुश। उफ अल्लाह, इतनी फरमा बरदारी। क्योंकि दानिश्वरों का कहना है कि बीवी की हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर कल तुम मुझे डिनर पे लेके जा रहे हो और मुझे शॉपिंग करा रहे हो? हाँ, फरमा बरदारी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चली जाओ यहाँ से। अरे पागल हो गई है क्या? अम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। हर वक्त ये फिजूल कहानियां मत पढ़ा करो। सारा दिन कहा अम्मा, मैं सुबह ही तो हाँ, बस एक लकीर बना ली है तुमने, सुबह से शाम तक उसी पे चलती रहो। आप मुझे लकीर का फकीर कह रही हैं? देखो तो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। तो और क्या करूँ? जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारने की कोशिश करो बेटा, ये अल्लाह मियां की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ हाँ ठीक है। क्या अच्छा, मैं स्टोरी के क्लाइमेक्स पर थी। ओफो, फिर वही कहानी। अम्मा सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, प्रॉमिस। अच्छा जा रही हूँ। ए परवरदिगार, क्या होगा मेरी इस लड़की का, ये तो हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती है। छोड़ देनी चाहिए थी। दूसरे सफ़े पे लिखो। हाँ, अब यहाँ से शुरू करो। Yes, that's good. देख लो अमर, उसका आंसर नहीं निकला यार। अच्छा तो तुमने चीटिंग की है, तुमने पीछे से आंसर देखा था ना? बुरी बात, ऐसा नहीं करना, दिखाओ। तुम यहाँ फिर आ गए हो?